दोस्तों आईपीएल 2024 में बुधवार को एक बड़ा मुकाबला होने वाला है। आईपीएल 2024 का एलिमिनेटर मैच राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि एक रॉयल बैटल एक शाही लड़ाई अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लड़ी जाएगी। मंच तैयार है, दोनों टीमों के योद्धा भी बेकरार है। इस मैच को खेलने के लिए एक समय था जब राजस्थान रॉयल्स टेबल टॉप पर थी और बेंगलुरु की टीम सबसे लास्ट में यानी कि पॉइंट्स टेबल में नंबर 10 पे थी, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगी राजस्थान ने नंबर 1 का अपना ताज गवाया। नंबर 1 से नंबर 3 पे आ गई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने करिश्माई अंदाज में प्लेऑफ का टिकट कटाया। अब इस टीम को खिताबी जीत का प्रबल दावेदार भी माना जा रहा है। एलिमिनेटर मैच आरआर वर्सेस आरसीबी का अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट कैसे होने वाली है, साथ ही बात करेंगे बुधवार को अहमदाबाद का मौसम कैसे रहने वाला है, दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है, साथ ही बात करेंगे दोनों टीमों के पॉसिबल प्लेइंग 11 की और साल 2024 में जब आरआर और आरसीबी का मुकाबला हुआ था जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में उस मैच का क्या रिजल्ट था, उस मैच का स्कोर कार्ड भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ा हर खबर आपको यहाँ पे देखने को मिलते रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरआर बनाम आरसीबी मैच के पिच रिपोर्ट की। तो यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ बल्लेबाजों को खास मदद मिलती है, हालांकि यहाँ स्पिनर परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा तेज गेंदबाजों के लिए भी इस पिच में मदद साबित हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाएगा गेंद रुक रुक कर बल्ले पे आती है, इससे बल्लेबाजों के शॉट खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस मैदान पर लाल और काली मिट्टी दोनों तरह के पिच है। काली मिट्टी वाली विकेट थोड़ी स्लो है। आंकड़ों के हिसाब से जो भी कैप्टन यहाँ पे टॉस जीतेगा वह रन चेज कर सकता है। आपको बता दें कि क्वालिफायर 1 से पहले इस मैदान पर इस सीजन के 6 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें 2 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की जबकि 4 बार टारगेट का पीछा करने वाली टीम को जीत मिली। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच की औसतन स्कोर 170 रनों का है, यानी कि यहाँ एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं बुधवार को अहमदाबाद के मौसम कैसा होने वाला है, क्योंकि हाल ही में कुछ मुकाबला बारिश से बाधित रहे हैं, कुछ मुकाबला रद्द भी हुए हैं। यही कारण है कि राजस्थान रॉयल्स टेबल टॉप से नंबर 3 पे आ गई है। उनमें कहीं ना कहीं बारिश ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया है। हालांकि राजस्थान ने क्रिकेट भी उतना अच्छा नहीं खेला है। नजर डालते हैं अहमदाबाद के वेदर रिपोर्ट पे। तो बुधवार 22 मई को अहमदाबाद का मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है, जो क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। अहमदाबाद का तापमान 31 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, ऐसे में खिलाड़ियों को गर्मी से दो दो हाथ करने होंगे। बुधवार को बारिश की कोई भी संभावना नहीं है, लेकिन गर्मी आग बरसा रही है। अब नजर डालते हैं आरआर और आरसीबी के हेड टू हेड रिकॉर्ड पे। तो आईपीएल के इतिहास में राजस्थान और बेंगलुरु के बीच अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें आरसीबी ने 15 मैच अपने नाम किए हैं जबकि राजस्थान रॉयल्स ने 13 में जीत हासिल की है। 3 मुकाबले बिना किसी रिजल्ट के समाप्त हुआ, यानी कि आरसीबी का पलड़ा भारी नजर आता है क्योंकि उन्होंने 15 बार आरआर को हराया है। वैसे इस सीजन दोनों टीमों के बीच मुकाबले के 19वां मैच खेला गया था। स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है, जहां पर राजस्थान ने एक रोमांचक मुकाबले में 184 रनों का टारगेट आखिरी ओवर में चेज किया था और 6 विकेट से मुकाबला जीत कर अपने नाम किया था। इस मैच में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में केवल 3 विकेट के नुकसान पे 183 रन बोर्ड पे लगा दिए थे। विराट कोहली के बल्ले से 113 रनों की शतकीय पारी देखने को मिली थी, जबकि फाफ डु प्लेसिस ने भी 44 रनों का योगदान दिया था। इसके अलावा राजस्थान के गेंदबाजों की बात करें तो चहल को 2 विकेट मिले थे। आरआर के सामने 184 का टारगेट था, जिसे टीम ने 19.1 ओवर में हासिल किया था। टीम की ओर से जॉस बटलर ने 58 गेंदों में नवाद 100 रनों के शतकीय पारी भी खेली थी, जबकि संजू सैमसन ने भी 42 गेंदों में 69 रनों की बहुमूल्य पारी खेली थी। आरसीबी की ओर से रिस टॉपली को 2 विकेट मिले थे। दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे आरसीबी की। तो यहाँ पे फाफ डु प्लेसिस कप्तान, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, रजत पाटीदार, कैमरून ग्रीन, महिपाल लोमरोर, दिनेश कार्तिक विकेट कीपर, करण शर्मा, यश दयाल, लॉकी फर्गुसन और मोहम्मद सिराज। आरसीबी की टीम वाकई में जबरदस्त फॉर्म में है। मतलब एक समय टीम ने लगातार 6 मैच हारे थे, लग नहीं रहा था कि यह टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी, लेकिन देख लीजिए किस्मत की करिश्मा, आरसीबी एक बार फिर से प्लेऑफ में क्वालिफाई करके दिखाया। बड़ा शानदार क्रिकेट टीम ने खेला। विराट कोहली 700 प्लस रन इस सीरीज में बना चुके हैं। एक शतक भी उनके बल्ले से राजस्थान के खिलाफ शतक निकला था और कमाल के फॉर्म विराट कोहली ने दिखाई है। पिछले मैच में फाफ डु प्लेसिस का बल्ला चला था, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था, कमाल के 50 लगाई थी, शानदार फील्डिंग भी की थी। साथ ही मैक्सवेल ने जिस तरीके से पहली बॉल पे ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया था, बल्ले से एक छोटी सी कैमियो पारी खेली थी। टीम में मुझे कोई कमी नजर नहीं आ रही है। हालांकि स्वप्नल सिंह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, करण शर्मा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन यश दयाल पिछले मैच में जिस तरीके से उन्होंने MS धोनी को आउट किया, 17 रन डिफेंड किया, तारीफ बनती है। मोहम्मद सिराज कहीं ना कहीं अभी भी थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं। विकेट लेना
मोहम्मद सिराज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पावर प्ले में वह बॉलिंग करने आते हैं। उसके अलावा फाफ डुप्लेसिस ने अपने फॉर्म हासिल कर ली है, यश दयाल अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। आरसीबी को हराना एक चैलेंज रहेगा। आरसीबी की टीम लगातार 6 मुकाबला जीत के आ रही है और 2015 में भी इन दोनों टीमों के बीच एलिमिनेटर मैच खेला गया था, जहां पे आरसीबी ने 71 रनों के बड़े अंतर से राजस्थान को हराया था। यानी कि एडवांटेज कहीं ना कहीं आरसीबी के साथ है। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 के, तो यशस्वी जायसवाल, टॉम कोलहर, संजू सैमसन कप्तान और विकेटकीपर होंगे। रियान पराग, ध्रुव जुरेल, रोमन पोवेल, रविचंद्र अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, आवेश खान और नंद्रे वर्गर। एक समय ऐसा था जब लग रहा था कि राजस्थान को हराना मतलब बहुत बड़ी बात है, राजस्थान रॉयल्स को कोई नहीं हरा सकता, टीम हर एक डिपार्टमेंट में धमाकेदार क्रिकेट खेल रही है। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगी, राजस्थान लगातार एक के बाद एक 4 मुकाबले हारे। पिछला मुकाबला बारिश में रद्द हो गया था, वरना क्या पता टीम ने लगातार 5 हार का पंजा लगा देती। क्योंकि कहीं ना कहीं अब यह पता चल रहा है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम जॉस बटलर के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड थी। जॉस बटलर चले गए हैं, 349 रनों के बल्ले से निकले हैं। संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल को मोर्चा संभालना पड़ेगा, क्योंकि यह मुकाबला डू और डाई का है। जो टीम यह मैच जीतेगी उसको क्वालिफायर 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन जो भी टीम मैच हारेगी आईपीएल 2024 से बाहर हो जाएगी। उस टीम का आईपीएल 2024 में आखिरी मैच होगा। लेकिन यह मुकाबला को एलिमिनेटर नाम दिया गया है। एलिमिनेटर मैच यानी कि जो हारा उसका काम तमाम। आरसीबी को जीत का फेवरेट माना जा रहा है। ऐसे में आरआर का जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है। टीम ने 2008 के बाद कोई भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत सकी है। संजू सैमसन की लीडरशिप पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पिछले कुछ मैच में यशस्वी जायसवाल के फॉर्म के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वह लगातार निराश कर रहे हैं। उनके अलावा रोमन पोवेल, सिमरन हिटमायर, ध्रुव जुरेल, इन्होंने भी लगातार निराश किया है। ट्रेंट बोल्ट अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, संदीप शर्मा को विकेट्स मिल रहे हैं, आवेश खान प्रभावित किया है। यानी कि आरआर के पास दिक्कतें कम नहीं है, परेशानी की लंबी कतार है। आरआर को मैच जीतना है तो आरसीबी के खिलाफ अपना 100% परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। अब 100% से कम नहीं चलेगा। बल्लेबाजी में टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर में खास तौर पे स्पिन डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करके देना पड़ेगा, क्योंकि इस मैदान पे आईपीएल 2022 का फाइनल मैच खेला गया था, जहां पे गुजरात टाइटन ने एक तरफा मुकाबले में राजस्थान को हरा दिया था। और राजस्थान को एलिमिनेटर मैच के रिकॉर्ड भी बहुत खराब है। टीम ने 3 मैच खेले है, 3 में से केवल 1 मैच जीता है। 2 मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। एक मैच तो टीम ने आरसीबी के खिलाफ ही हारा था 2015 में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 71 रनों से। यह रॉयल बैटल राजस्थान रॉयल्स के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। अब आप बताइए, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला होने वाला है, कौन सी टीम मैच जीतेगी, आप किसके सपोर्ट कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।